हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट इन सीरीज़ यूज़ सुटेबल कंजंक्शंस टू ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज अभी आपके सामने जो सेंटेंसेज आएंगे आपने उन्हें सुटेबल कंजेंशन को यूज करते हुए ज्वाइन करना है तो देखते हैं नंबर वन वी वेंट अर्ली टू द थिएटर वी कुड नॉट गेट seats. तो यहाँ पर आप कौन सी कंजंक्शन को यूज़ करेंगे यहाँ पर आप यूज़ करेंगे बट ओके वी वेंट अर्ली टू द थिएटर बट वी कुड नॉट गेट seats. बट हम तब यूज़ करते हैं जब हम कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं ओके okay? जब भी हम ऑपोजिट आइडियाज़ को ज्वाइन करते हैं ऐसे सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं जो कि ऑपोजिट आइडियाज एक्सप्रेस करते हैं वहां पर हमने बट को यूज़ करना होता है

दो चॉइसेस में से किसी एक चॉइस को चूज़ करना होता है ओके okay? जब भी आपके पास दो ऑप्शंस हैं और आपने उन दोनों ऑप्शंस में से किसी एक को चूज़ करना है तब आप वहाँ पर और यूज़ कर सकते हो एज अ कंजंक्शन देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे इसे तो आपको समझ में आएगा ओके okay? तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट ही लॉस्ट द प्राइज ही ट्राइड हिज बेस्ट तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर आप कौन सी कंजंक्शन को यूज़ करेंगे यहाँ पर आपने लिखना है बट ही ट्राइड हिज बेस्ट बट ही लॉस द प्राइज़ ओके उसने अपनी पूरी कोशिश करी थी लेकिन वह प्राइज़ को जीत नहीं पाया ओके okay? उसने उसे खो दिया देखिए यहाँ पर भी ऑपोजिट आइडियाज़ को हम जॉइन कर रहे हैं क्योंकि जब भी हम कोशिश करते हैं पूरी कोशिश करते हैं तो मोस्टली हमें सक्सेस मिल जाता है लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है उसका ऑपोजिट बट ही लॉस द प्राइज़ ओके तो इस तरह के सेंटेंसेस में हमने बट को यूज़ करना होता है एज अ कंजंक्शन और इन दोनों को हम इस तरह से जॉइन कर देंगे और एक सेंटेंस बनाएंगे तो अभी हम देखेंगे एक और एग्जांपल या फिर एक और पेयर ऑफ सेंटेंसेस ही डिड नॉट कम ही डिड नॉट इनफॉर्म मी तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर सोचिए कि कौन सी कंजंक्शन आप यूज़ करेंगे यहाँ पर आपने लिखना है नीदर नॉर नीदर केम नॉर इनफॉर्म्ड मी ओके ना तो वह आया था और ना ही उसने मुझे इन्फॉर्म किया था देखिए यहाँ पर हमने दो कंजंक्शन यूज़ करी हैं नीदर नॉर इन्हें हम को रिलेटिव कन्जेंकशंस बोलते हैं जो कि पेयर में यूज़ करी जाती हैं तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट आई शेल कम आई एम नॉट इल तो इस तरह से ये जो देखिए जो दो सेंटेंसेज हैं यहाँ पर आप किस तरह से इन्हें आप यूज़ कर सकते हो इन्हें आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हो आई शेल कम एज आई एम नॉट इल यहाँ पर हमने एज़ को यूज़ किया है कंजंक्शन की तरह और एक न्यू सेंटेंस बना लिया है आई शेल कम एज़ आई एम नॉट इल यानि कि मैं आऊँगा क्योंकि मैं बीमार नहीं हूँ तो आज मैं आपको एक होमवर्क भी देने जा रही हूँ आपने ये दो पेयर ऑफ सेंटेंसेस यहाँ पर वन पेयर ऑफ सेंटेंसेस मैंने आपको दिया है यानी कि दो सेंटेंसेस दिए हैं आपने इन दोनों को ज्वाइन करना है एक कंजंक्शन से सुटेबल कंजंक्शन से और एक न्यू सेंटेंस बनाना है ही इज़ वेरी रिच ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी तो आप सोचिए यहाँ पर कौन सी कंजंक्शन आप यूज़ करेंगे और किस तरह से इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाएंगे उस कंजंक्शन को यूज़ करके इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में भेज सकते हो सो आई होप यू हैव टू डेज लेसन आपको लेसन समझ में आ गया है थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप लर्निंग सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवन डन इड इट एंड प्लीज़ गिव मी यमेंट्स ऑल्सो थैंक यू